नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष में रार मची हुई है। दोनों के बीच पनपा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगभग 20 राजनीतिक दलों ने संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार का ऐलान किया है। विपक्ष का आरोप है कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को समारोह में ना बुलाकर बीजेपी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाली उद्घाटन समारोह की आवाज अब उत्तर प्रदेश तक सुनाई देने लगी है। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने इस मसले पर प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी दलों पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सत्ता वियोग में तड़पते कांग्रेस सहित भाजपा और मोदी विरोधी विपक्षी दल नए संसद भवन का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों उद्घाटन को पचा नहीं पा रहे हैं। विरोध सामंती मानसिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक गरीब का बेटा दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता क्यों बन गया, कांग्रेस को ईर्ष्या की आग करेगी खाक। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का हिस्सा हर किसी को बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस के बहिष्कार के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से इस तरह के कुकृतियों में शामिल रही है। हालांकि अभी फिर यही कहूंगा कि नए संसद के उद्घाटन के तौर पर लोकतंत्र का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी को इसमें शामिल होना चाहिए। इसके साथ ही जिन दलों ने लोकतंत्र के इन नए मंदिर के उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने का निर्णय लिया है, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। 9 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के संपर्क में रहती है, लेकिन 9 वर्ष पूरा होने पर विशेष अभियान, जनसंपर्क के महाअभियान और जनसभाएं और अन्य कार्यक्रम आए हैं। उस आधार पर जो भी केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आदेश है, हम सब कार्यकर्ता जुटेंगे, पूरे प्रदेश में जन जन तक केंद्र प्रदेश की नीतियों को पहुँचाने का काम करेंगे। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रकार के कुकृत्यों में शामिल रही है। आज भी लोकतंत्र का जो महापर्व बड़े धूमधाम के साथ संसद भवन के नए उद्घाटन के अवसर पर मनाया जा रहा है, सबको इसमें शामिल होना चाहिए। बहरहाल संसद के उद्घाटन पर छिड़े बवाल को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। कई सालों बाद ये पहली बार है जब कई विपक्षी दल एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ऐसे में इसे संसद के उद्घाटन से पहले विपक्षी एकता का पहला शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल 28 मई को नए संसद का उद्घाटन होना है। हालांकि उससे पहले और क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।